हेलो दोस्तों, हानिया पावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीते गुरुवार यानी 7 सितंबर को जवान मूवी रिलीज हुई थी, और जवान मूवी जब से रिलीज हुई है ताबड़तोड़ कमाई करती हुई जा रही है, और आज ये मूवी 580 करोड़ के आंकड़े को कंप्लीट कर लेगी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जवान मूवी टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है, बॉलीवुड की हो साउथ की हो सारी मूवियों को पछाड़कर ये टॉप पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी को आज वैसे 21 दिन कंप्लीट हो गए हैं और आज 22वां दिन है इस मूवी का, तो 22 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान को एक अच्छा अभिनेता मानते हैं, उनकी मूवी देखना पसंद करते हैं, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, 1000 स्क्रीन्स पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया था और 250 करोड़ के बजट के साथ बनी थी ये मूवी, और 7 सितंबर को रिलीज हुई थी। बात करें इसके डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर जो साउथ के जाने माने डायरेक्टर एटली और साउथ के ही इसमें विलन लिए गए हैं, तमिल के सुपरस्टार विजय सेतुपति और तमिल की हीरोइन नयनतारा, और शाहरुख खान के कई लुक इस मूवी के अंदर देखने को मिले थे। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस मूवी को 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया था। तो वहीं बात करो इस मूवी के पहले दिन की ओपनिंग की, तो 74,50,00,000 रुपए से इस मूवी ने ओपनिंग की, जो कि आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी मूवी ने इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनाया है अपने पहले दिन। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का पहले दिन का 130 करोड़ रुपए था। वहीं दूसरे दिन इस मूवी ने 53,23,00,000 रुपए, तीसरे दिन 77 करोड़, और चौथे दिन तो दोस्तों हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड था इस मूवी का, 82 करोड़ रुपए, और 4 दिनों के अंदर इस मूवी ने 290 करोड़ रुपए का आंकड़ा कंप्लीट कर लिया था। और वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो 540 करोड़ रुपए इस मूवी ने अपने 4 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, बॉलीवुड की हो साउथ की हो जितनी भी बड़ी मूवी थी गदर 2, सबका मूवी रिकॉर्ड तोड़ते हुए जा रही है और कमाई करते हुए जा रही है। और मुझे नहीं पता कि भाई शायद ही फ्यूचर में कोई इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, अगर कोई तोड़ पाएगी या फिर डोंकी या फिर प्रभास की सलार मूवी। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई सलार मूवी तोड़ पाएगी या फिर डोंकी मूवी ही इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, आपको ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो वहीं बात करूँ पाँचवें दिन की, तो पाँचवें दिन इस मूवी ने 32,92,000 रुपये और 10वें दिन इस मूवी ने 32 करोड़ रुपये कमाए। तो 10 दिनों के अंदर इस मूवी ने 440 करोड़ रुपये के आंकड़े को कम्प्लीट कर लिया था। तो वहीं वर्ल्ड वाइड इस मूवी का लगभग 790 करोड़ रुपये हो गया था। और वहीं बात करूँ 15वें दिन की, तो 15वें दिन इस मूवी ने 10 करोड़ रुपए कमाए, और 15 दिनों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 530 करोड़ रुपए हो गया था। और वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो 942 करोड़ रुपए हो गया था। और दोस्तों, इसने यानी अपने आज इस मूवी का 22वां दिन है और लगातार कमाई करती हुई जा रही है, जिस तरीके से गदर 2 भी कमाई करती हुई जा रही है। गदर 2 भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और जवान भी, दोनों मूवी एक दूसरे की टक्कर की मूवी हैं और दोनों ही ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे गदर 2 का तो जब लगभग आंकड़ा है वो 530 करोड़ तक पहुंचा ही है, और वैसे जवान का जो आंकड़ा है ये 581 करोड़ रुपए तक आज पहुंच जाएगा। तो आज ये पूरे भारत से लगभग 5 करोड़ रुपए अर्न करती हुई नज़र आ रही है भाई, जिस तरीके से इस मूवी की आज की ऑक्यूपेंसी है। और वैसे बताऊं तो आज का लगभग ये रिकॉर्ड बन जाएगा 581 करोड़ रुपए का, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड है आज तक के इतिहास में। अपने 22 दिनों के अंदर किसी भी मूवी ने ये इतना बड़ा रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया है। और इस मूवी का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाएगा वो लगभग 1,040 करोड़ रुपए। दोस्तों, शाहरुख खान ने एक साल के अंदर दो मूवी ऐसी दी हैं जो 1,000 करोड़ के आंकड़े को कम्प्लीट किया है, पठान और जवान, पर अब शायद डोंकी भी कर सकती है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।